टॉपिक की जाने वापस आते हैं और टॉपिक हमारा अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की और उसके लिए हमारे साथ शवाना मौजूद थी लेकिन अब हमें और भी गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया उनका भी तारीफ करवाती चलूँ और उस टॉपिक के भी साथ हम इंक्लूड कर लेंगे और उसमें हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बेसिकली सोशल मीडिया हम इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा करते हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है क्या हमें इतनी अवेयरनेस है या उसका हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके लिए हमारे साथ आई टी एक्सपर्ट होंगे बाकिर बिलाल उनको वेलकम करेंगे और मारवी खान भी हमें ज्वाइन करेंगी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं दोनों को वेलकम करते हैं कैसे हैं आप दोनों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शवाना अभी हम जरा अपना एक टॉपिक का एक सवाल जो हमारा रह गया फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं शवाना हमने बात की अभी वेराइटी चेंज हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपने बीच में डिस्कस किया उसकी वजह क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी हाई कोर्ट चले गए ना मार्ची बड़ा मतनाज़े किस्म के बातें करने वाले आई डोंट नो कि हाउ मच आई एम एबल टू स्पीक ऑन द स्क्रीन लेकिन देखें एक दो तीन बातें होती हैं जो समझ लेनी चाहिए ठीक है वैरायटी जो है उसकी एक ह्यूमन नीड है और मैंने पहले भी ये कहा था कि आप पॉजिटिव तरीके से हासिल कर सकते हो या नेगेटिव व्हीकल हो सकता है ठीक है शवाना मजीद भी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जरा आप सोशल मीडिया पर आते हैं जनाब सबसे पहले तो बाकी बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं बल्कि हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है क्या हमें इतनी अवेयरनेस है जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जितना तेजी से वर्टिकल मीडिया असर्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी में और यूथ जिस तरह से उसको अडेप्ट कर रही है मतलब अभी हम बच्चे भी अपने वो तब तक नाश्ता नहीं करते जब तक हम उनको मोबाइल नहीं दे देते तो ये गैजेट्स हैं जिनकी तरफ अट्रैक्ट होती है हमारी यूथ खास तौर पर अट्रैक्ट हो रही है तो इसका एक प्रोडक्टिव यूज बड़ा जरूरी है हमें इसको समझने की जरूरत है अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हमारी यूथ को किस तरह से इसको यूज करना और किन लिमिट्स में रह के यूज करना है किस तरह से अपना सर्कल बनाना है तो ये एक बड़ा अहम कदम है पाकिस्तान भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और डिजिटल पाकिस्तान के नाम से बड़े इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पे काम किया और अभी ये गवर्नमेंट भी काम करेगी और करना पड़ेगा क्योंकि आप एक ग्लोबल विलेज में एंटर हो रहे हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि हमारी यूथ जो एंटर हो रही है वो देख रही है कि दुनिया क्या करती है मतलब अभी हम अगर लॉ की पाबंदी नहीं कर रहे तो वो जब सोशल मीडिया को यूज करती है तो उनको अवेयरनेस होती है कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं तो ये तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये है कि जितना तेजी से सोशल मीडिया असर्ट कर रहे हैं और वर्टिकल मीडिया की तरफ जा रहे हैं हम क्योंकि उसकी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है तो वहां पे एक हेट स्पीच और इस तरह की चीजें और वो आपकी वो हो रही हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी हो गया है जिस तरह चाइना ने अपना सोशल मीडिया उन्होंने लेके आए मार्केट में और उन्होंने उसको वो किया ममनू करार दिया फिल्टर कर दिया ना उन्होंने फिल्टर कर दिया या रशिया ने अपना सोशल मीडिया लेके आए क्योंकि डेटा का बहुत बड़ा इशू पूरी दुनिया में है कि हम अपनी एक प्राइवेसी अपनी फैमिली की किसी को नहीं देते और यहाँ पे हम पूरे मुल्क का डेटा दिए जा रहे हैं बिल्कुल जो व्हाट्सएप हम अभी यूज करते हैं आपने कभी उसमें ऐड नहीं देखा होगा लेकिन वो 19 बिलियन डॉलर में खरीदा फेसबुक ने तो वो सारा डेटा प्राइवेसी आपका सारा डेटा जा रहा है तो उसके लिए काम करने की जरूरत है काम हो रहा है बल्कि पाकिस्तान का अपना नेशनल सोशल मीडिया अब आ चुका है सोशोन के नाम से और अभी उसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है एक उसमें हर यूजर वेरीफाइड यूजर है जिसकी वजह से वहां पे आपका जो यूजर का बिहेवियर है वो ठीक है अच्छा वो वेरीफाइड होने की वजह से वो उस तरह का एक्ट नहीं कर रहा जिस एक्ट से आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम आएगी ठीक है दूसरा जो सबसे अहम इसमें सोशल मीडिया पे हमें देखने की जरूरत है कि टाइम इज मनी हम अपना हमारी यूथ 6-6 घंटे 7-7 घंटे हमारा तो टाइम लिमिट ही नहीं है कोई जी, सोशल मीडिया की तो उसमें अगर आप अपना टाइम प्रोडक्टिव यूज करते हैं मतलब अभी जो मैस कम्युनिकेशन की लॉट हमारी यूनिवर्सिटीज से आ रही है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ हमेशा उनसे लड़ता हूँ कि क्यों नहीं हमारे बच्चे जो यूट्यूबर बन रहे क्यों हमारे बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बिलियनर नहीं बन रहे हालांकि हमारे पास टैलेंट है हमारे पास कंटेंट अच्छा है अगर आप फेसबुक आइडियाज हैं क्रिएटिविटी अगर आप सोशल मीडिया की बात करें ट्विटर की फेसबुक की जो दुनिया के बड़े सोशल मीडिया है तो वो कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया कंटेंट को ऑफ कर दें तो कुछ भी नहीं ठीक है कंटेंट पे बाकी और भी बात करेंगे मारवी अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों का टाइम ज्यादातर गैजेट्स और इन चीजों में गुजर जाता है और हम लोगों का कोई टाइम लिमिट नहीं है सारी चीजें नहीं है पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिव जो इसका इस्तेमाल है वो कितना जरूरी है
वेल अर्मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेज किया आपने द मोमेंट, और लेट्स स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में इस वक्त, वो हमारी ऑलमोस्ट कोई 22% आबादी का जो तनासुब है उसके पास इस वक्त इंटरनेट मौजूद है, जो कुछ 44 मिलियन हमारी आबादी बनती है उनके पास इस वक्त इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। उसमें से जो हमारे 18% हमारी आबादी है इस वक्त सिर्फ वो सोशल मीडिया, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। हम उन 18% ने इतना तूफान मचा दिया कि हमें लगता है कि हर तरफ सिर्फ वो हैं। सिर्फ 18% हमारी आबादी का तनासुब एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स। अच्छा बाप, उस पर इतना इंटरेस्टिंग सा फिगर मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस 18% में से आपकी 92% लोग सिर्फ फेसबुक पे, अच्छा, जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, और 0.00 something और इंस्टाग्राम, 0.4% यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है, 0.something ट्विटर के ऊपर है। सो 92% आपका जो है सोशल, जो आपके यूजर्स हैं एक्टिव यूजर्स, वो फेसबुक पे हैं। सो हम इसको अब नैरो डाउन करते हैं तो हम आ गए फेसबुक के ऊपर, बिकॉज अब सोशल मीडिया का अगर मतलब अगर मैं कह दूं तो पाकिस्तान की आपकी आबादी 18% जो यूज कर रही है उसमें से 92% आपके सोशल मीडिया यूज करें, फेसबुक यूज करें, ठीक है। अब हमारी आबादी का जो कुल तनासुब है उसमें 18 साल से लेकर सबसे ज्यादा तनासुब है 30 साल तक के लोगों का, दैट इज हमारी यूथ आ जाती। सो फिर हम अगर अजराहे तकल्लुफ कह लें, बिकॉज हमारे पास ज्यादा फिगर्स, सेंसस भी जो हुआ है वो जरा कुछ ज्यादा एक कह लें कि मुतनाज़ा सेंसस टाइप चीज हुई है। सो अगर हम इसको अंदाजन कह लें तो जो उन 92% जो इस्तेमाल करें फेसबुक आपके एक्टिव सोशल मीडिया में से, वो ज्यादातर आपकी यूथ है, ठीक है। मैं इस वक्त क्योंकि बहुत बेहतरीन उन्होंने बात कर ली कि चल क्या रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या होने लगा है, मैं इस वक्त बात करूंगी कि हमारी यूथ को करना क्या चाहिए, किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना। तो ठीक है, प्रोडक्टिव पता है क्या अर्मिला, मसला है क्या, फरार है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हमारी, अभी इन्होंने भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर बात की वो यही था कि नीड फुलफिल नहीं हो रही। मैं भी पहले आपके प्रोग्राम्स में आई तो मैंने आपसे कहा फैमिली आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, आपके ये जो एक ताल्लुक का रिश्ता है, ह्यूमन नीड है, जब वो पूरी नहीं होती है। और दूसरा ये कि हमारे पास हम अपने रिसोर्सेज को, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ बैठ के तमाम यहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट हैं और तमाम जो यहाँ पे करिकुलम डिजाइनर्स, उनको कहूँगी दिस इज द हाई टाइम कि हमें सोशल मीडिया अवेयरनेस, नॉट जस्ट एज काइंड ऑफ अवेयरनेस बट एज चैप्टर्स हमें हमारे शामिल करने पड़ेंगे करिकुलम्स में, ठीक है, जिसमें पता होना चाहिए कि जब आपको सोशल मीडिया पे, इट्स एन एडिक्शन अर्मिला, सिंपल सी बात है, एडिक्शन है। जब भी किसी चीज से आप फरार हासिल करेंगे आप उसकी तरफ भागेंगे, जो आपने कहा कि वक्त हर वक्त उस वक्त गुजर जाता है। यूथ को जो हमारी इस वक्त मसले चल रहे हैं, जो साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग चल रही है इस वक्त अराउंड, मैं उसकी भी स्टेटिस्टिक्स आपसे पेश करती हूँ। आपके जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि होती हैं बच्चों को होनी शुरू हो जाती है, आ गए ना सोशल मीडिया के ऊपर, अब क्या मसला क्या आ रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज आपके जो आ रहे हैं, वो सबसे पहला सिक्योरिटी इशू आ रहा है कि आप जब गैजेट्स यूज करते हो लॉग आउट नहीं करते, ठीक है। किसी ने यहाँ पे फेसबुक इस्तेमाल किया, मैंने उसके फोन पे किया, मैंने वहां से लैपटॉप पे किया, आप लॉग आउट नहीं करते। सबसे पहला जो आपको सिक्योरिटी रिस्क पे आपके, आपकी जो डेटा है, आपकी चीजें हैं, वो लॉग आउट ना करने की वजह से। सो आप कहीं पे भी, बच्चे बड़े, क्योंकि हमारे एल्डरली जनरेशन भी अर्मिला, हमारे पेरेंट्स को हमने मोबाइल्स हाथ में दिए, हमने गैजेट्स हाथ में दिए, उनको भी हमने उसी काम पर लगा दिया। अब उसी काम पे इसलिए लगाया कि ग्लोबलाइजेशन और सोशलाइजेशन जरूरी है, डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे बुजुर्गों के लिए, अपने घरों में भी पेरेंट्स के पास अगर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपनी जो एंग्जाइटी डिप्रेशन जो कि बुजुर्गों को अकेले रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, वो कहीं ना कहीं केटर होती है। बहुत पॉजिटिव इसके एलिमेंट्स भी हैं, सो उनको भी नहीं पता होता, जहां भी वो इस्तेमाल करें लॉग आउट कीजिए। दूसरी चीज, सिक्योरिटी आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपलोड ना करने की वजह से आप जो है वो आपका डेटा सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर चला जाता है। ठीक है, मार्वी इस बारे में मजीद भी डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर शर्मा ना आपकी जाने पर आएंगे, अभी जैसे हमारे पास आईटी एक्सपर्ट भी थे, मार्वी भी बता रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से तो नहीं हो रहा, मेजॉरिटी बहुत सारे लोग इसको यूटिलाइज भी करें, और सेकेंडली अभी बाकी से भी हमने बात की कि अवेयरनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसी चीजें जो हम फॉलो नहीं करते, बस हम कहते हैं कि हमने क्लिक शेयर लाइक क्लिक शेयर लाइक। अभी ये बात कर रहे थे ना कि ये साइबर बुलिंग और ये सारा डिप्रेशन से निकलने के लिए भी, कभी कभी आपकी अपनी ही सोशल स्किल्स, बिकॉज यू आर ऑन दोज गैजेट्स ऑल द टाइम, उसकी वजह से सोशल स्किल्स खत्म भी हो गई। बिल्कुल, एक ही कमरे में बैठने वाले बच्चे को आपको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है, बाहर जाके आप एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर रहे क्योंकि आप ऑल द टाइम बच्चों को आप पकड़ा देते हैं वो, और उससे ही होता है 2-4 घंटे तो वैसे ही आराम से गुजर जाते हैं, माँ भी फोन के ऊपर है। और अभी मैं मियाँ बीवी की बात कर रही थी, उसमें आप देखेंगे
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कितना हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर शक करने का, वो जो पहले था कि पता नहीं इसका पासवर्ड क्या है, इसने पासवर्ड क्यों बदल दिया, आधे से ज्यादा जो बातें नहीं भी हो रही वो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये सही बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एट द सेम टाइम कितना पेरेंटल कंट्रोल है, ये चीज घर की तरबियत से स्टार्ट होगी। अपनी जान छुड़ाने के लिए आपने अपने बच्चों को फेसबुक, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बाहर तो ट्विटर और ये सारा कुछ भी चलता है, तो ये बात अभी उन्होंने बात की कि यूट्यूब, छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे यूट्यूब बना रहे होते हैं, तो उसके बाद वो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल और उसकी तरफ भी सोच रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ, उनकी एक थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है। तो पॉजिटिव यस डेफिनेटली इज देयर If it is controlled. ठीक है, controlled नहीं है, दिमागी communication खत्म हो गई है आपस में बात करने की, जैसे हम बात करते थे इसके impact हमें नहीं पता कि किस तरह से करना है, और हम जैसे अभी शवाना भी गई थी एक कमरे में बैठे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे, घर में बहन भाई में हमेशा कहती हूँ वो पानी का ग्लास में मंगवाना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं पानी का ग्लास पकड़ा जाओ, मिला वो सोशल मीडिया का कसूर ही नहीं है। अच्छा वो किसका कसूर है? बिल्कुल वो हमारा अपना कसूर है, वो तो जाहिर है, लेकिन हम इस्तेमाल तो सोशल मीडिया का कर रहे हैं। अगर आपसे कहूँ कि आपके किचन में छुरी क्यों है, आपके किचन में माचिस क्यों है, ये तो आग लगा देगी, ये तो काट देगी, तो फिर क्यों है वो आपके किचन में, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, वो हमारे किचन में होनी है। इसमें तो सोशल मीडिया का, अगर ये तो इट्स अ टूल, अभी यही बात हो रही है, इट्स अ टूल लाइक एनी अदर टूल, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी अवेयरनेस हमने अपनी वही बात कर रहे हैं ना, इस्तेमाल की अवेयरनेस एग्जैक्टली। तो इसमें अगर कोई हमारे रिश्तों में गैप आया, ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं आया है, वो रास्ता जरूर बन गया है, वो एक टूल है। मैंने आपको पहले कहा आपके किचन में छुरी भी होगी, आपके किचन में माचिस भी होगी, आपके किचन में आपकी हथौड़ा भी होना है आपके उसमें टूल बॉक्स में, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके ऊपर है। मसला पता है क्या मिला, कि जब पाकिस्तान 4G के ऊपर जब डायरेक्ट हम लोग, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारे मुल्कों ने पहले क्योंकि 2G और 3G में इन्वेस्ट कर चुके थे, तो वो वहीं तक हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मारी 4G के अंदर। ठीक है, 4G आ गया, मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, मोबाइल में वाईफाई यूजर्स हमारे पास बहुत, अब वो बगैर अवेयरनेस के, एक तो हमारा लिटरेसी रेट पहले ही इतना है कि जिसमें लिखना पढ़ना, जिसमें सिग्नेचर हो जाए तो लिटरेसी रेट काफी हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की सलाहियत अर्मिला हमारी सोसाइटी में इतनी डेड है कि किसी की सोच भी नहीं है। ठीक है, आई एम स्टेटिंग इट वेरी क्लियरली कि कॉम्प्रिहेंड करना, समझना हमारा क्या मसला है। फेस कोई भी बंदा, कोई भी, आई एम गिविंग यूथ एन अवेयरनेस एट द मोमेंट, कोई भी बंदा चाहे वो कोई पोस्ट लगाता है, चाहे वो कोई मैसेज शेयर करता है, चाहे कोई बिजनेस पार्टी अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बात करती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मैसेज शेयर करने के लिए बात करती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की इंगेजमेंट। ठीक है, मैं खुद अपने सोशल मीडिया पेजेस हैंडल करती हूँ, उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो पोस्ट है ये इंगेज हो लोग, या उस पर लाइक करें, या उसको शेयर करें, या उस पर कॉमेंट करें, चाहे वो गाली निकालने के लिए कॉमेंट करें, चाहे वो प्यार से लाइक करें, चाहे वो किसी लर्निंग के लिए लाइक करें। अच्छा, हमारा एक मसला ये है बिकॉज हम लोगों ने, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग, उनको ये लगता है क्योंकि वो इंगेजमेंट करने के लिए और वो करने के लिए जो भी जैसा भी स्टाफ हमारे सामने आता है, मैंने लिटरली लोगों को चेक किया, उनके हाथ ऐसे होते हैं लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर। अच्छा, अब आप हमारे पर कुछ जिम्मेदारी है अर्मिला, पहले जिम्मेदारी हमारे पास थी कि जब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की जिम्मेदारी होती है ना, कि सफाई रखनी है घर में, ये नहीं करना, तूफान नहीं मचाना, लॉस की पाबंदी करनी है, इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जब आप आते हैं आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपने कौन सा स्टफ आगे भेजना है, किस स्टफ में इंगेज होना है, किस स्टफ को आगे, बिकॉज अगर आपने किसी एक चीज को लानत भेजने के लिए भी लोग लाइक मारते हैं और उसको आगे और फॉरवर्ड करते हैं, और मैं हैरान हो रही होती हूँ, और लोग जिसको गलत, जिसको स्नैप कर देना चाहिए, जिस एवल को उधर ही खत्म हो जाना चाहिए, उसको आप उसके ऊपर कमेंट करके, उसको गालियां निकाल के, उसको मना करके आप उसको और शेयर करें। हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हमने किसी को कमेंट करके कुछ किया है, वो आपके जो कमेंट होते हैं, आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स तक जाते हैं, उनके फ्रेंड्स तक भी जाते हैं, जो आप पार्ट बन रहे हैं उस चीज को आगे पहुंचाने का, जो कि उधर ही खत्म हो जाना चाहिए। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी की बात करें अशवाना, तो हम ये नहीं देखते कि हम आगे क्या पोस्ट करें, हमें नहीं पता कि वो वीडियो में सच है झूठ है। इवन बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल वीडियोस होती हैं, मैं अपने घर पे देख रही हूँ, अब्बा देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अच्छा ये ठीक है, उनको किसी ने भेज दिया, वो आगे लगता है ये बिल्कुल सच है, मोबाइल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप यही नहीं फील कर रहे कि जो चीज, जिस तरह जितने पावरफुल आप होते जाते हैं, जितनी लर्निंग आपकी होती जाती है, आई एग्री विद हर, क्योंकि ये ट्रेनिंग किसने देनी है, या तो पेरेंट्स देते हैं या टीचर्स देते हैं। जिस तरह से अगले दिन मैं आपसे कोई बात कर रही थी सेक्स एजुकेशन की और हेल्थ एजुकेशन की, तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं वो तो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, कुछ स्कूलों में बंद कर दी गई। तो मैंने कहा अच्छा ये फिर ये वाली बात नहीं कर सकते। फिर मैंने आपसे पूछा एक दिन कि अच्छा बेरा रवि जो हमारी यूथ पे जा रही है उसके ऊपर बात कर सकते हैं,
ایسی ساری, انہوں نے کہا یہ سارے متنازع ٹاپک ہیں, آپ جو ہے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, ہولات رکھیں, آپ نے یہاں پہ رہنا, آپ ہاتھ ہولا. تو یہ تو ساری وہ باتیں آ گئی نا کہ جب آپ ڈر ڈر کے اور اس طرح سے, تو آئی ٹوٹلی اگری وتھ ہر کہ جتنی ریسپانسبلٹی ماں باپ پہ, ٹیچرس پہ, معاشرے پہ ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پروگریسو ہے, ہم پروگریس نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے نا. بالکل, یہ تو اگر آپ نے یا تو پیچھے رہنا ہے یا آپ نے فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہے کہ آپ نے کتنی ترقی کرنی ہے اور اس ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جو پازیٹو ہو نا, اور پھر آپ نے آگے جانا ہے, پیچھے تو آپ نے رہنا نہیں رہنا. ٹھیک ہو گیا. باقی ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو ہم جب ہم سوشل میڈیا, کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو بھی یوز کرے, اوتھینٹیسٹی کا ایک لیول ہم نے نہیں رکھا ہوا, کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے کہ فلٹر کیا جائے چیزوں کو؟ بالکل, اس میں جو یہ ساری ڈسکشن ہے, اس کا جو ڈسکشن کو اگر ہم تھوڑا ریپ اپ کریں گے, تو ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے یوزر کی ویریفیکیشن. ایگزیکٹلی, جو یوزر ہے اس کی آئیڈینٹیٹی. اگر یوزر مجھے وہاں سے آتے ہیں, لڑکا ہوتا ہے, لڑکی کا نام اور لڑکی کا چہرہ لگا ہوتا ہے, کیسے آپ یوزر ویریفائی کرتے ہیں؟ اس پہ میڈیم پہ, میڈیم پہ ہوتا ہے. ابھی یوزر کی کچھ ایسے سوشل میڈیا ہیں جہاں پہ یوزر کی آئیڈینٹیٹی موجود ہے, اور وہ یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد وہ انٹری دیتے ہیں اس میں. دیکھیں نا, ہم اپنے گھر میں انٹری نہیں دیتے کسی غیر کو, تو اگر آپ اپنے سرکل میں انٹری دے رہے ہیں ایک فیک یوزر کو, تو فیک یوزر پھر اس طرح کا بیہیو کرے گا. سو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. میں خود کو فاؤنڈر ہوں سوشون کا, پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے, اس میں جو سب سے اہم کام جو کیا ہے اقبال حسین ہے, انہوں نے, ہی از نان آئی ٹی پرسن, لیکن انہوں نے جو سب سے اہم کام پاکستان کے لیے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہر یوزر ویریفائیڈ یوزر ہے, اور اتنا اس میں اگر آپ اس کی ٹائم لائن چیک کریں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے دیر از نو پارنوگرافی, دیر از نو ہیٹ اسپیچ. وجہ یہ ہے کہ ہر یوزر کا ڈیٹا موجود ہے, تو وہ بہیو اس طرح سے کرتا ہے. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ کچھ ایسے ٹاپک ہیں جن کو آپ عام, ہمارا جو میڈیا کینوس ہے اس کے اوپر آپ لا نہیں سکتے تھے, لیکن آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہی ہے جہاں پہ آپ اس ٹاپک کو لے کے آتے ہیں اور لوگ اس میں انگیج ہوتے ہیں اور آپ اس کی اویئرنس دیتے ہیں. سو سوشل میڈیا کا بہت پوزیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں یا نہیں. تھینک یو ویری مچ ہمارے تینوں مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. جناب آج کے ٹاپک جو ہے جناب, دونوں کو ہم نے کمبائن بھی کر لیا اور مزیدار سی ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن, اور آپ کو ڈیفینیٹلی انفارمیٹو ہوگا یہ تمام تر سیشن, کیونکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی سوشل ایشو ہے اور جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ کس طرح سے پروڈکٹیو کرنا ہے اور نہیں کرنا, یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے, ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.